अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमें 21 दिन लगता है किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए और 90 दिन में हम उसे अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। इसे ही 21 दिन का नियम कहते हैं। तो इस नियम का उपयोग हम अपने लाइफ को बेहतर बनाने और सक्सेसफुल होने में कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस नियम की शक्ति से हम क्या हासिल कर सकते हैं। अगर हम 21 दिनों तक किसी भी चीज को करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, और किसी आदत को छोड़ना है तो हम अगर 21 दिन तक कंट्रोल करते हैं तो वह आदत हम छोड़ सकते हैं। इस नियम का उपयोग हम अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आप 21 दिन तक योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो वह आपका हैबिट बन जाएगा। 21 दिन अगर आप जिम करते हैं, 21 दिनों तक अगर आपने लगातार स्टडी किया है तो 22वें दिन पढ़ाई में आपका अपने आप मन लगेगा। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते किसी भी तरह से, 21 दिन सुबह जल्दी उठिए लगातार, उसके बाद वह आपका हैबिट बन जाएगा। गुस्सा कंट्रोल करना हो या किसी भी आदत को अपनाना हो या छोड़ना हो, बस हमें 21 दिन तक उसे करना है। अगर आपको शराब सिगरेट जैसी बुरी लत है तो आप 21 दिन तक उसे कंट्रोल करके रखिए। अगर आपने 21 दिन तक कंट्रोल कर लिया, आप इन लतों को छोड़ पाएंगे। 21 दिन का नियम इतना पावरफुल है कि हम अच्छी आदतों को अपना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। इस नियम को मैंने भी प्रैक्टिकल करके देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप भी 21 दिन का चैलेंज लीजिए। 21 दिन तक किसी भी हैबिट को जो आप डेवलप करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, 21 दिन तक उसे कीजिए। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, आपका शरीर उस हिसाब से ढल जाएगा, वो आपका हैबिट बन जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, स्टडी करने की आदत डालना चाहते हैं, जिम योगा एक्सरसाइज कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस 21 दिन के नियम को अपनाइए। खुद से 21 दिन का चैलेंज लीजिए और उन चीजों को अपना हैबिट बनाइए। आप भी 21 दिन का चैलेंज लीजिए और 21 दिन तक जो भी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं उसे कीजिए, और अगर वह आपका आदत बन जाता है तो वापिस से इस वीडियो में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस नियम का प्रॉफिट होता है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।